हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 4 अक्टूबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेटीएम में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन पेटीएम में हमें जो देखने मिला है एक पॉजिटिव मोमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.46% की एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिली है। क्लोजिंग यहाँ पे 660 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है स्मॉल साइज के। यहाँ पे कैंडल पे नीचे के समय बारीक और ऊपर के समय थोड़ी सी छोटी हमें वेक हमें देखने मिल रही है। बात है मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई हमारा 36-37 के आसपास जो आ चुका जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का चांसेस है कि स्टॉक में हमें अपसाइड मूवमेंट जो है सबसे पहले 669 के आसपास जो है देखने मिलेगा। अगर उसको क्रॉस करते हो गया तो स्टॉक में इजिली 680 के आसपास जो देखने मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्टॉक में ये जो मूवमेंट है वो टेम्पररी मूवमेंट है, यहाँ पे परमानेंट मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव ट्रेंड में हमें जितना हो सके चाहे इंट्रा डिवाइस हो या फिर पोजिशन वाइज हमें जो है जितना हो सके डाउन मतलब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए क्योंकि वहीं पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है यहाँ पे फेवरेबल होता है, वहाँ पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलती है। तो जितना हो सके आप जरूर जो है शॉर्टिंग के लिए जो अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ऐसे जो मार्क्ड है। फिलहाल हमें यहाँ पे एक नया जो है डेटा बनते हुए देखने मिला, खाली हम उसे मार्क करके रख देते ताकि यहाँ पे कभी भी जो है हम वापस से इस रेंज में आए तो हमारे पास ये दिया गया जो है हमारा मार्किंग हो जिसकी मदद से आप अपना अच्छी तरह से जो ट्रेड ले सके। तो जो भी हमने अभी चेंजेस और जो यहाँ पे एडिशनल मार्किंग जो किया मैं जरूर चाहूँगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट में जो मार्किंग्स कर ले। तो यहाँ पे अब हमारी मार्किंग जो है कम्प्लीट हो चुकी है। मैं जूम करके यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे हमें क्या देखने वाला उस बारे में हम बात करेंगे। तो क्लोजिंग 660 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 654.90 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 660.70 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या अगला सपोर्ट आता है 648.40 का, उसके बाद क्या आता है 642.70 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 664.70 का, उसके बाद क्या आता है 668.45 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट
और दो रीजन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग है। यहाँ पे चांसेस है कि गैप अप ओपनिंग देखने मिले, लेकिन फिर रिवर्सल में नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें क्लोजिंग भी जो देखने मिले, मतलब इस रेंज में हमें क्लोजिंग जो है देखने मिल सकते हैं 654.90 से लेकर 660.70 के रेंज में। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में यहाँ पे कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको यहाँ पे कोई भी हेल्प चाहिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप का नंबर दे दिया, जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।